पवित्र आत्मा की नवेना छठा दिन। इस गीत के साथ पवित्र आत्मा को हमारे दिल में आमंत्रित करें। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है ये पावन आत्मा। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने और भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम और शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। मांगने से ज़्यादा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, हम पर उतर आइए। भक्ति का वरदान हमें पवित्र माँ मरियम, सभी संतों, कलीसिया एवं उनके अधिकारियों और हमारे माता पिता का आदर करने के लिए प्रेरणा देती हैं। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति कभी नियमों को बोझ नहीं समझते, बल्कि आनंद से उन्हें पूर्ण करते हैं।
आपका अनुवाद किया, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, हम निरंतर ईश्वर की भक्ति में आनंद का अनुभव करें और शांति की मधुरता महसूस करें, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, हम उन लोगों जैसे बने जो ईश्वर को आत्मा एवं सच्चाई से आराधते हैं, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें जो हर ज्ञान का स्रोत है और ईश्वर की इच्छा अनुसार सभी कार्यों में प्रेरणादायक है, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, हम उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें जो हमारे अंदर निवास करते हुए हमारी दुर्बलताओं को मजबूत करता है, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए, हम अपने सभी निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमारी सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करें। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए जो नबी एज़ेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा, उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमय माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। Bye.
छुटकारा देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली हैं जो हमें सामर्थ्य देती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा,
आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति को मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूँ। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूं एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके पांच घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए, आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूँ। पिता और पुत्र का आत्मा हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूं। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आत्मसंयम का वरदान दे। हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कृपा दे ताकि हम कुछ क्षणों के उत्साह में दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। हमारे हृदयों से बुरी सोच एवं जलन की भावना निकाल दें। हमारी सहायता कर कि अपनी भावनाओं और लालसाओं में विजय पाकर हम आत्मसंयमी बने और इसके द्वारा अपने भाई बहनों को प्यार कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.
से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा।